दोस्तों हमने प्रोफाइलिंग को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया हमने यह डिस्कस कर लिया कि प्रोफाइल के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए द लाइक्स ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए हाउ यू कैन क्रिएट पोर्टफोलियो एज अ एजनर सो एंड सो फोर्थ हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया आइए अब एक ऐसे फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो शायद देखने में बजायरन इतनी इंपॉर्टेंस ना लेता हो लेकिन उसकी वाकई ही इन लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंस है मैं आपको एक मिसाल बताना चाहूंगा जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो उस प्रोडक्ट को आप और रिव्यूज देखते हैं ना अगर आप इंटरनेट पर कोई कोर्स देखते हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेते हैं सबसे पहला स्टेप आप यह लेते हैं कि आप उसके रिव्यूज देखते हैं कि लोगों ने उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में क्या क्या बात की हुई है सिमिलरली फॉर यूर फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल एम्प्लॉयर आके जहां पर बेसिक चीजें देखते हैं विच इज योर प्रोफाइल योर वीडियो योर पिक्चर विच इज द डिस्प्ले पिक्चर राइट साथ वो आपके फीडबैक भी देखते हैं कि प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ने इस फ्री लांसर को कैसे रेट किया हुआ है जब भी आप कोई काम खत्म करते हैं ना मिसाल के तौर पर मैं एक लोगो डिजाइनर हूं और मैंने हंड्रेड डॉलर का एक प्रोजेक्ट खत्म कर दिया इंप्लॉयर भी खुश मैं भी खुश जेब में मेरे आगे पैसे बहुत आर हैप्पी अब प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद एम्प्लॉयर का एक काम और होता है और वो होता है आपके काम पे फीडबैक देना यानी कि मैंने जो भी काम किया है ना उससे रिलेटेड अगर एम्प्लॉयर खुश है तो वो मुझे फाइव स्टार फीडबैक देके उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि यस शाम इज अ ग्रेट डिजाइनर हिशाम हैज वर्क हार्ड हिश्याम हेज मेट डेडलाइंस हे शाम इज गॉड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स यही चार बातें होती हैं बेसिकली फीडबैक की बट इट वेरीज फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस टू फ्रीलांस मार्केट प्लेस दैट्स फाइन नथिंग रॉन्ग अब हाउट डेट लेकिन इस फीडबैक का दोस्तों फर्क क्या पड़ता है देखिए इस फीडबैक का फर्क यह पड़ता है कि आने वाला एम्प्लॉयर यानी कि न्यू पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपके प्रोफाइल में तीन चीजें जान लेता है एक योर क्रेडिबिलिटी भाई ये बंदा ठीक है इसको प्रीवियस लोगों ने भी काम करवाया इसको अच्छी फीडबैक दी ठीक आदमी है लेट्स टॉक टू हिम रिगार्डिंग योर बिजनेस क्रेडिबिलिटी के बाद आता है सस्टेनेबिलिटी अब सस्टेनेबिलिटी क्या है सस्टेनेबिलिटी ये है कि इसको एक फीडबैक मिली थी 2015 में फिर इसको फीडबैक मिलती रही है 2016 में इसको फीडबैक मिलती रही सारे 2017 में आगे चलते रहे जितने भी साल हैं इसका मतलब ये सालों साल से काम कर रहा है दिस गाय नोज हिज वर्क एम्प्लॉयर को खुश रख रहा है सो सस्टेनेबिलिटी इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रेपुटेशन देखिए फाइव स्टार जब आपको फीडबैक आफ्टर फीडबैक आफ्टर फीडबैक मिलती जाएगी ना दोस्तों तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी का इम्प्रेशन बन जाता है एंप्लॉयर के जेन में कि देखिए यह इतने ड्यूरेशन से काम कर रहा है इसका मतलब कि यह भागने वाला नहीं है इसको मैं जब प्रोजेक्ट दूंगा यह अपना काम खत्म करेगा सक्सेसफुली फिनिश करेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेन दैट सस्टेनेबिलिटी एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट अब आप पूछेंगे ट्रस्ट का क्या लेना देना सारी फीडबैक में यकीन जानिए फीडबैक है ही ट्रस्ट का नाम यानी कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के वर्ड्स हैं फीडबैक तो दे दी ना एक से लेकर पांच स्टार तक दे दी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद यू एज अ फ्रीलांसर लेकिन जब वो कमेंट छोड़ते हैं वो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है मिसाल के तौर पे एक कमेंट मैं जनरली यहां पे दे देता हूँ फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात बताने की एम्फोसाइज कर रहा हूं कि ये मैंने एक एम्प्लॉयर का काम खत्म किया सौ डॉलर का एम्प्लॉयर बहुत खुश मुझे फाइव स्टार फीडबैक मिल गई और जो मुझे कमेंट्स मिले वो ये थे आई हैव यूज हि शाम ही एज टाइम कॉन्शियस ही गुड्स डज गुड क्वालिटी आई एम प्लीज एंड आई रिकमेंड हि शाम फॉर द फ्यूचर वर्क जब ये बात हो जाएगी कमेंट सेक्शन में ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी सस्टेनेबिलिटी आप पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आने वाले एम्प्लॉयर्स का बिल्ड हो जाएगा सो वेन एवर यू सक्सेसफुली फिनिश अ प्रोजेक्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिक्वेस्ट योर एम्प्लॉयर टू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक बिकॉज फीडबैक इज दैट रिव्यू सिस्टम विच वुड बिल्ड द ट्रस्ट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयर्स आई होप दैट मेक सेंस टू यू